Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2014 रिलीज्ड रियल स्टोरी बेस्ड एक हॉरर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है Evil Never Dies। इस कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के एस्केम्बिया बे में बसा एक आलीशान घर को दिखाते हुए जो जितना बड़ा था उतना ही खूबसूरत भी। एक अलग ही करिश्मा था इसके खूबसूरती का, जो भी देखे उसकी नजर उसी पर अटक जाती थी। तो जैसे जब विलबोर्न फैमिली अपने लिए ड्रीम हाउस की तलाश कर रहे थे उनकी नजर तो इस पर पड़ेगी ही। जेमी, उनकी पत्नी जेनिफर और उनके दो बच्चे लॉरेन एंड कैंडेंस, चारों के लिए एक परफेक्ट फैमिली होम था ये घर। सबके लिए एनफ स्पेस और साथ में एक पिक्चर परफेक्ट बैकयार्ड भी जो डायरेक्टली कनेक्टेड था एस्केम्बिया बे से। हाँ, कीमत उन्हें कुछ ज्यादा ही चुकानी पड़ी थी, ऑलमोस्ट $1 मिलियन, लेकिन बदले में जो सुकून उन्हें मिल रहा था उसके बदले ये कीमत कुछ भी नहीं था। शिफ्ट करने के बाद अगले कई दिन घर को सजाने में ही बीत जाते हैं। हंसी मजाक, एक्साइटमेंट, एक अलग ही एनर्जी फ्लो कर रही थी घर के अंदर। एग्जैक्टली ड्रीम कम्स ट्रू वाला वाइब था सबके मन में। लेकिन उनके इस सपने को नाइटमेयर में बदलने में भी देर नहीं लगती। जैसे वो सेटल करते हैं घर में अजीब व गरीब हादसे होने लगते हैं जो धीरे धीरे ऐसा भयानक रूप ले लेता है कि उनका यह सपनों का महल उनके जिंदगी का सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस का कारण बन जाता है। इस सब की शुरुआत होती है 2009 में उनके शिफ्ट करने के कुछ हफ्ते बाद ही। एक दिन जब जेनिफर घर की सफाई कर रही थी तो सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त अचानक वो नोटिस करती है उनके सारे फोटो फ्रेम्स उल्टा लटक रहा है। और जब वो उन्हें ठीक कर रही थी तो अचानक ही उनके पीछे कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है अपने आप। जेनिफर को लगता है जरूर उनकी कोई बेटी कोई प्रैंक कर रही होगी, वो इतना सीरियसली नहीं लेती। लेकिन कमरे में घुसकर उन्हें एहसास होता है वहां तो कोई नहीं है। साथ में वो ये भी नोटिस करती है कि कमरे के सारे विंडोज ओपन है, एट द सेम टाइम एसी भी चल रहा है। जनरली लॉरेन या कैंडेंस ऐसा कभी नहीं करते, फिर भी जेनिफर उन्हें बुलाकर पूछती है और जवाब में उन्हें ना ही मिलता है। इनफैक्ट सुबह से तो वो इस कमरे में आए ही नहीं थे। बहुत अजीब बात थी, लेकिन जेनिफर उतना ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट हादसा होता है कुछ दिन बाद उनके बेटियों के साथ। जब दोनों बहन घर में अकेले थे तो अचानक ही उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से किसी की फुटस्टेप सुनाई देने लगती है, एज इफ ऊपर कोई चल रहा है। मगर उनके पेरेंट्स तो घर में ही नहीं थे। लॉरेन हिम्मत जुटाकर ऊपर जाती है चेक करने तो उसे पता चलता है आवाज एक्चुअली उनके पेरेंट्स के कमरे से आ रही है। तो वो वहां भी जाती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। उसे लगता है जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, जरूर वो कोई और आवाज थी। ये सोचकर बात को टाल देती है लॉरेन, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है हमें उसके पीछे एक काली परछाई नजर आती है जो अंधेरे में छुपकर सब कुछ देख रहा था। इसका मतलब लॉरेन का शक गलत नहीं था, सच में ही इस घर में उनके अलावा भी कोई रहता है जो धीरे धीरे खुद को रिवील करने लगा है। अगले दिन उसका सामना होता है जेनिफर के साथ। वो जब रात में अकेले किचन की सफाई कर रही थी तो अचानक ही आसपास के माहौल में एक सडन चेंज नोटिस करती है। वो उसे गूज़बम्स आने लगे थे, आसपास की हवा भारी होने लगी थी और उसकी सिक्स्थ सेंस इशारा कर रहा था कि बाहर कोई है, कोई छुपकर देख रहा है उसे। इससे जेनिफर तुरंत पीछे मुड़ती है और उसे दिखाई देता है एक भयानक चेहरा जो खिड़की के उस पार से उसी को देख रहा था। उसे देखकर ऑब्वियसली जेनिफर की तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन उसके बुलाने पर जब जेमी आते हैं वहां बाहर चेक करते हैं उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तो उसे लगता है जरूर उसके बीवी को कोई वहम हुआ होगा या फिर किसी नेबर की शैतानी होगी। इनफैक्ट वो तो ये तक कहता है कि ये जेनिफर जो हॉरर फिल्म्स देखती रहती है ये उसी का असर है। ओवरऑल बिल्कुल भी यकीन नहीं करता वो जेनिफर पर, ना उसे दिखाई देता है वो चेहरा अभी भी उन पर नजर रख रहा है, पेड़ के पीछे से झांक रहा है। इधर जेनिफर बढ़ चुकी थी बहुत बड़े कश्मकश में, उसने अपने आंखों से जो देखा उसे कैसे ठुकरा दे। एक तरफ उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था, उसे मन ही मन लग रहा था इस घर में कुछ गड़बड़ तो जरूर है, कहीं यह घर हॉन्टेड तो नहीं। ऑन द अदर हैंड उसका लॉजिकल माइंड जेमी का साथ दे रहा था, सही तो कह रहा है वो, इस 21st सेंचुरी में भूत कहां से आएंगे।
वो बेकार में अपने बच्चों को डराना नहीं चाहती थी, इसीलिए उनसे कुछ नहीं कहती। उन्हें लगा था ऐसे बातों से अनजान रहेंगे तो ही बेहतर होगा उनके लिए। लेकिन इतनी बड़ी बात ज्यादा दिन छुपाया भी नहीं जाता उनसे। फाइनली एक दिन लॉरियन और कैंटन से वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करती है और बदले में उन्हें जानने मिलता है कि वो अकेली नहीं है, उनके साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस हो चुका है। अब तीनों के तीनों तो हैलुसिनेट नहीं कर सकते ना। इस रियलाइजेशन से जैसे और ज्यादा डर जाते हैं सभी। एक अननोन फियर से उनका सुख चैन सब खत्म होने लगता है और साथ ही साथ घर में अजीबोगरीब हादसे भी बढ़ने लगते हैं। चीजों का गायब होना, खिड़की दरवाजे का खुलना, फुटस्टेप की आवाजें, ये सब तो जैसे रोज की बात बन चुकी थी। पर सरप्राइजिंगली ये सब कुछ भी जेमी के प्रेजेंस में नहीं हो रहा था। एज द रिजल्ट वो कुछ यकीन भी नहीं कर रहा था। एक रात जब लॉरेंस सोने की तैयारी कर रही थी तो उसे अपने कमरे की सारे विंडोज खुले मिलती है, जबकि कुछ देर पहले उसने अपने हाथों से बंद किया था। जब वो उन्हें फिर से बंद करने जाती है तो उसे फील होता है कमरे में कोई और भी है। वही ईविल प्रेजेंस फील कर पा रही थी वो। उधर तब तक उसके क्लोजेट का दरवाजा भी अपने आप ही खुलने लगा था, जिसके अंदर से निकल आता है एक अंधेरा का गोला जो देखते ही देखते एक इंसानी शरीर का रूप ले लेता है और झपट पड़ता है लॉरेन पर। इससे लॉरेन इतनी डर जाती है कि चीखने की ताकत भी खो देती है। कोई आवाज नहीं निकलती उसके मुंह से, ना किसी को बुला पाती है, ना कमरे से भाग पाती है। सिर्फ उस शैतान ने उसका मुंह ही बंद कर रखा है। फाइनल आफ्टर सेवरल मिनट्स वो अपने माँ को आवाज लगाती है और उनके आने से सब ठीक हो जाता है। लेकिन लॉरेन की कंडीशन देखकर बिल्कुल चौंक उठी थी जेनिफर। उसका पूरा चेहरा ही सफेद पड़ चुका था, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी वो, बस परे परे कांप रही थी। साथ में जब जेनिफर उसके हाथों को नोटिस करती है तब एक और चीज नजर आती है उसे। लॉरेन के दोनों हाथों पर लंबे लंबे स्क्रैचेस थे, ताजे खून निकल रहे थे वहां से। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने अपने नाखूनों से नोचा हो उसे। अब ऐसे एक्सपीरियंस के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती अकेले रहने की, स्पेशली लॉरेन को तो अपने कमरे में लौटना ही नहीं था। तो सभी मिलकर एक साथ एक कमरे में सोने की डिसाइड करते हैं और जेनिफर फिर से एक बार कोशिश करती है जेमी को समझाने की। लेकिन ऐसी चीजें जब तक कोई खुद एक्सपीरियंस ना कर ले तब तक उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल रहता है। जेमी उनके लिए कंसर्न्ड तो था लेकिन जेनिफर के हद तक नहीं। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे समय उसे करना क्या चाहिए। इसलिए जब जेनिफर एक टोनी नाम के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट करती है और उन्हें घर बुलाती है वो उसे नहीं रोकता। उसे लगा था एक बार अगर टोनी ने कन्फर्म कर दिया कि ये घर बिल्कुल सेफ है तो शायद जेनिफर के दिमाग से ये डर भी मिट जाएगा और वो लोग खुशी खुशी रह पाएंगे। लेकिन जब अगले दिन टोनी उनके घर में पहला कदम रखती है उसे जैसे एक झटका लगता है। एक सडन अनइजीनेस, अनकंफर्टेबलनेस घेरने लगती है उसे और वो समझ जाती है ये घर हॉन्टेड है, किसी ईविल प्रेजेंस से कर्स्ड है। टोनी को स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होता है लॉरेन के कमरे में और जब वो वहां अकेली जाती है उसे उसका सबूत भी मिलता है। मिरर पे कोई लिख देता है HAL हैल। टोनी बिल्कुल श्योर थी ये उस शैतानी शक्ति का ही नाम होगा, लेकिन इसके बाद जो होता है उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी वो। एज एन एम्पैथ वो बाकी लोगों से ज्यादा फील करती है, इससे नेगेटिविटी का एहसास भी सबसे पहले होता है उसे। लेकिन आज तक उसने कभी सामने से किसी डार्क फोर्स को कभी भी विटनेस नहीं किया था, इसीलिए जब उसके आंखों के सामने वो डार्क एनर्जी खुद को मैनिफेस्ट करने लगती है तो उन्हें डर जाती है। ऐसे फेस टू फेस बैटल के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे वो। लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे इस फोर्स का सामना करना ही होगा, इस परिवार के लिए, उनका तो वही सहारा है। तो हिम्मत जुटाकर टोनी भगवान का नाम लेती है और होली बाइबल के शब्दों से उस शैतान को डराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन साथ में उसे यह भी एहसास हो जाता है कि यह सलूशन टेम्पोरल है, इससे काम नहीं बनेगा, उस शैतान की जड़ ढूंढना होगा उसे। इसी सिलसिले में घर के बैकयार्ड में जा पहुंचती है टोनी और जाते ही एक दूसरा झटका लगता है उसे। एक एक्सट्रीम सैडनेस फील कर पाती है वो। उसे फील होता है इस जगह पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, बहुत डर, बहुत तकलीफ जुड़ी है इस घर से।
साथ में एक बहुत ही डरावना विजन आता है उसे। वो देखती है यहाँ पेड़ से कई सारे लोगों की लाशें लटक रही है और उनके बीच खड़ा है एक बहुत ही क्रीपी आदमी जो और कोई नहीं हैल है। उसके हाथ में है एक व्हिप और चेहरे पर एक क्रूअल स्माइल, ऐसे इन लोगों को तड़पते देख बहुत मजा आ रहा है उसे। इस जगह की हिस्ट्री से भली भांति रूबरू थी टोनी, तो उसे जो समझना था वो समझ चुकी थी। अब बारी थी जेमी के चौंकने की। वो तो बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बैठा था कि टोनी को एक गुड न्यूज़ सुनाएगी, मगर वो जो बताती है उससे तो उसका हाल बेहाल हो जाता है। जेनिफर ने भले उसे सब कुछ बताई थी मगर उस एंटिटी के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दिया था उसने। इसीलिए जब टोनी खुद ही हाल का डिस्क्रिप्शन देती है वो तो बिल्कुल चौंक जाती है। 6 feet 2 inches मस्क्यूलर बिल्ट विद अ मोस्ट क्रूअल स्माइल, यही तो देखा था उसने उसके बेटी ने, मतलब वो कोई भ्रम नहीं था। टोनी बताती है 19th century में ये जगह कॉटन प्लांटेशन की हब हुआ करती थी, जिसका मतलब यहाँ नेटिव लोगों से ज्यादा स्लेव्स रहते थे जिन्हें इन फार्म्स में जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, उन पर इनह्यूमन टॉर्चर किया जाता था। ऐसे एक फार्म ओनर था हैल जो इस घर का मालिक भी था और इसी घर के बैकयार्ड में अपने स्लेव से फोर्सफुली काम करवाता था वो दिन रात बिना किसी रेस्ट के। मेंटली एंड फिजिकली उन्हें तड़पाता था जिससे वो उसके डर से ज्यादा काम करे, और जब उनके काम करने की ताकत बिल्कुल ही खत्म हो जाती थी तो उन्हें इसी पेड़ पे लटकाकर फांसी दे देता था वो। उसकी सोल इतनी करप्टेड थी, इतनी ईविल थी कि मरने के बाद भी उसे आज़ादी नहीं मिली। इनफैक्ट उसके अंदर की ईविलनेस अभी भी बरकरार है, अभी भी लोगों को वही दर्द देना चाहता है वो जो जीते जी उसकी डेली रूटीन थी। अभी वही क्रुएल्टी, वही वायलेंस वो इस परिवार पर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे अभी रोका नहीं गया तो ये बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए टोनी डिसाइड करती है इस घर को एक थॉरो क्लेंजिंग की जरूरत है जिससे काम भी बनता है। अगले कई दिनों तक और कुछ नहीं होता इस घर में, सभी को चैन की नींद नसीब होती है। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए सभी अपने घर में अपने तरीके से जी पाते हैं, अपने कमरे में सो पाते हैं, मगर बस कुछ दिनों के लिए ही। उसके बाद फिर से शुरू होता है हाल के हॉन्टिंग्स, और इस बार जिसका शिकार बनता है जेमी। एक रात जब सभी सो रहे थे तो जेमी को अचानक फील होता है कोई उसका पैर खींच रहा है बिस्तर के अंदर से। एक झटके में नींद टूट जाती है उसकी और उसके चीख से बाकी सबकी। पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा था वो, बेड के तरफ गन पॉइंट करके किसी को बाहर निकलने के लिए कह रहा था, एज इफ अंदर कोई इंसान है। अब वहां क्या है, कौन है, वो तो उसे भी पता चल चुका था। जिस सच्चाई को अभी तक नकारता आ रहा था वो आज वही खुद चलकर उसके सामने आ चुकी थी। आज उसे वो कैसे झुटलाए। फाइनली जेमी को यकीन आ चुका था जेनिफर और अपने बेटियों के बातों पर। जिंदगी में इतना होपलेस, इतना हेल्पलेस पहली बार फील कर रहा था वो। कैसे करेगा वो उस शैतान का सामना, कैसे बचा पाएगा अपने परिवार को। ऐसे में उनका एक ही सहारा था, टोनी। उसी रात टोनी को कॉल किया जाता है और वो आकर सेकेंड टाइम क्लेंजिंग स्टार्ट करती है, लेकिन इस बार का माहौल बिल्कुल ही अलग था। टोनी के एंटर करते ही चारों तरफ की दीवार से बैंगिंग की आवाज आने लगती है, एज इफ दीवार के अंदर से कोई धक्का मार रहा हो। टोनी रियलाइज करती है हैल की आत्मा गुस्से में है और पहले से भी स्ट्रांग बन चुकी है, उसकी हैसियत नहीं इस नेगेटिविटी का सामना करने की। हैल के प्रेजेंस से टोनी की तबीयत भी खराब होने लगती है, उसका शरीर उसके बश में नहीं रहता, बेहोश होने लगती है वो। और ऐसे में एक झटके में उसे उठाकर दीवार पे पटक देता है हैल। टोनी के पीठ पर चोट आती है, हाथ पर खरोचे आते हैं। उसके लिए ये क्लियर वार्निंग था, वो समझ चुकी थी हैल के सामने वो टिक नहीं पाएगी, अगर उसने फिर से कोशिश करी तो उसकी जान भी जा सकती है। अभी तक तो उन्होंने बस ट्रेलर देखा है, उस ईविल एंटिटी के असली ताकत का तो उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं। ऑलमोस्ट 100 सालों के जड़ को उखाड़ पाना, अतीत को मिटा पाना उसके बस की बात नहीं होगी। तो टोनी उसी रात उसी वक्त घर लौट जाती है और प्रॉमिस करती है वो किसी को जरूर ढूंढ निकालेगी जो उनकी मदद कर सके, मगर उसके लिए उन्हें वक्त की जरूरत थी जो इस परिवार के पास बिल्कुल भी नहीं था। उस रात के जीत के बाद हैल की आत्मा जैसे और डेंजरस बन चुकी थी, एक पल के लिए भी वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा था, और उसके हमले का शिकार बार बार बन रही थी लॉरेन।
उसके पेरेंट्स चाहकर भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एक बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रहे थे वो। इस घर में रहना उनके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल बन चुका था, मगर वो जाए तो जाए कहाँ? उनका सारा सेविंग्स तो इस घर को खरीदने में ही निकल गया था। अभी अगर वो लोग इसे छोड़ दें तो वो तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। यह बैटल तो बिल्कुल वन साइडेड था। ना वो लोग अपने दुश्मन को देख पा रहे थे, ना उसके अगले स्टेप के बारे में उन्हें कुछ पता था, तो उससे लड़ेंगे कैसे? टोनी तो ऑलरेडी हार मान चुकी थी और उससे कोई फर्दर होप भी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में जब एक रात लॉरेन पर फिर से हमला होता है, फिर से खून बहता है उसका, तो ये परिवार फाइनली इस घर को छोड़ने की डिसीजन ले ही लेते हैं। उसी वक्त भाग निकलते हैं उस मनहूस जगह से और फिर कभी मुड़कर नहीं देखते। हाँ, ये उनका हार था जो बहुत भारी पड़ता है उन पर। जिस घर को उन्होंने $1 मिलियन में खरीदा था, उसी को सिर्फ 1/10 प्राइस में बेचना पड़ता है उन्हें। अगले कई महीनों तक एक ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, जिससे सामना करना आसान नहीं था। लेकिन सेफ्टी के आगे कुछ भी नहीं। परिवार में सभी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, यही सबसे ज्यादा जरूरी थी। वैसे भी ये फाइनेंशियल लॉस उस घर में उन्हें जो सहना पड़ा था, उन्हें मेंटली जितना सफर करना पड़ा था, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं था। हाँ, वो लोग कुछ दिन तकलीफ में रहे, मगर उनके जीवन में शांति लौट आई थी। रात को चैन की नींद आ रही थी उन्हें। हर वक्त एक कॉन्स्टेंट फियर में जीना नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस हादसे का असर उन सभी के लाइफ में अगले कई सालों तक बरकरार रहा। जैसे इसके कारण जेमी एंड जेनिफर की लाइफ अफेक्टेड हुई थी, उनके थॉट्स, बिलीफ सिस्टम, स्पिरिचुअलिटी सभी में बदलाव आए थे, एट द सेम टाइम टोनी को भी बहुत भुगतना पड़ा था अगले कई सालों तक। उस रात उस घर में उनके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वो बहुत बीमार पड़ गई। मल्टीपल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस का सामना करना पड़ा उसे। इवन ऑल ऑफ अ सडन डॉक्टर को उसके शरीर में एक 4 पाउंड का ट्यूमर भी मिला। फिर कभी अपने नॉर्मल लाइफ में लौट नहीं पाई टोनी। उस हादसे ने उसे जैसे अंदर से कमजोर बना दिया था। जीते जी नरक का दर्शन कर चुकी थी वो, और उसे ये भी पता था कि ये लगेज उसे अपने पूरे जीवन भर कैरी करना पड़ेगा टिल डेथ। दूसरी तरफ फुलबॉर्न फैमिली का हाल भी क्वाइट सिमिलर था। अगले कई साल तक ट्रॉमेटाइज्ड रहे वो सभी। मूव ऑन करने के चक्कर में एक के बाद एक शहर भी बदल ली। अभी उस घर के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, मगर वो इतना जानते हैं उस शैतानी शक्ति का खात्मा इम्पॉसिबल है। ट्रू इविल नेवर डाइज। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी, ऊपर से रियल इवेंट्स इंस्पायर्ड है तो उसका एक्साइटमेंट अलग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।